तो सबसे पहले हम स्कल्पचर में मेथड और मटेरियल की बात करें तो स्कल्पचर बनाने की मुख्य रूप से दो टेक्निक होती हैं। एक तो होता है हमारा मॉडलिंग, दूसरा होता है कार्विंग। देखो मॉडलिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो भी मटेरियल होता है जैसे क्ले होता है, वैक्स होता है, उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे मास को शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्ले में हम क्या करते हैं, क्ले में मॉडलिंग बहुत सबसे आसान सबसे प्राइमरी मीडियम है। ठीक है, जहां पर हम जो हमको फॉर्म बनाना है, जो भी हमें रूप बनाना है स्कल्पचर में, उसके लिए हम क्ले को ऐड कर सकते हैं, क्ले को काट के निकाल सकते हैं और क्ले को शिफ्ट कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीजें पॉसिबल है मॉडलिंग में। तो ये इसके लिए क्ले और वैक्स हमारे पास होता है। जो दूसरा मीडियम हुआ कार्विंग, कार्विंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्कल्पचर में अनवांटेड पार्ट होता है जैसे वुड है, स्टोन है, तो वुड स्टोन मेनली दो कार्विंग के हमारे मीडियम से स्कल्पचर में। तो वुड में हम क्या करते हैं कि वुड या स्टोन में जो भी हमारा नॉन स्कल्पचर पार्ट है उसको हम काट के निकाल लेते, जो बचता है वो स्कल्पचर बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली अभी हम मॉडलिंग मीडियम में, मॉडलिंग मीडियम क्ले पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेथड्स एंड मटेरियल स्कल्पचर। मेथड्स एंड मटेरियल स्कल्पचर मैंने आपको बताया कि मेनली हमारा दो टेक्निक है, टेक्निक है एक तो मॉडलिंग, दूसरा कार्विंग। ठीक है, मॉडलिंग में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और पिंच कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं मास को। ठीक है, कार्विंग केवल हम क्या है ना, काट सकते हैं, उसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे स्टोन है, वुड है, उसमें केवल हम जो पार्ट स्कल्पचर नहीं है उसको हम काट के निकाल लेते हैं और जो उसमें हम एक बार जो कट गया से कट, उसे दोबारा उसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा, तो इसमें आपका टेक्निक्स आपकी दो है, टेक्निक्स आपका ऑफ स्कल्पचर। टेक्निक्स इसके बाद तो आपकी दो, आपकी नंबर वन आपका नंबर टू, नंबर थ्री आपका असेंबलेज। असेंबलेज में हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन करके, इसको मिक्स मीडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, थीके? और चौथा इसको हम मोल्डिंग कास्टिंग। वन टू थ्री फोर। तो बेसिकली तो दो हमारी हमारी जो टेक्निक्स हैं जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही हैं, मॉडलिंग एंड कार्विंग। ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडलिंग, कार्विंग, असेंबलेज एंड मोल्डिंग कास्टिंग। ठीक है, तो मोल्डिंग कास्टिंग हम क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे हम मॉडलिंग करते किसी मीडियम, मोल्ड मॉडलिंग करने के बाद में उसका हम मोल्ड लेते हैं और मोल्ड लेने के बाद में हम किसी मीडियम से कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल कास्टिंग से मोल्डिंग, मोल्डिंग कास्टिंग में आ जाता है। ठीक है, मेटल कास्टिंग में आता है इसमें, और जनरली मोल्डिंग कास्टिंग के लिए जिस मीडियम का यूज करते हैं वो होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हमारा बेसिकली मोल्डिंग कास्टिंग में काम, मोल्डिंग के लिए काम आने वाला मेन मटेरियल है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मॉडलिंग के बारे में। मॉडलिंग हमारी होती है दो मीडियम्स में, क्ले, दूसरा है वैक्स। तो क्ले में हम जो मॉडलिंग करते हैं वो तो या तो मोल्डिंग कास्टिंग के लिए करते हैं, मॉडलिंग करने के बाद में किसी भी फॉर्म का क्ले मॉडलिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसका मोल्ड लेते हैं
और मोल्ड लेके उसे टेराकोटा में, फाइबर ग्लास में, सीमेंट में, मेटल में कास्ट कर देते हैं। वैक्स में हम मॉडलिंग करते हैं, तो वैक्स में भी हम सेम कर सकते हैं, लेकिन वैक्स में ज्यादातर मॉडलिंग करते हैं मेटल कास्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम मेटल कास्टिंग के पढ़ेंगे, तब जब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वैक्स और आजकल सिंथेटिक क्ले भी आता है, तो वैक्स में मिट्टी का पाउडर मिला देते हैं, फ्रेंचो पाउडर मिला देते हैं वैक्स में, ऐसे करके जो इससे जो मिट्टी बन सिंथेटिक क्ले जो बनता है। सिंथेटिक क्ले जो होता है वो वैक्स बेस्ड होता है। ठीक है, बीज वैक्स में, बीज वैक्स में हम क्या है ना कि फ्रेंचॉक पाउडर उसमें मिक्स कर देते हैं, तो उससे जो, और उसमें थोड़ा ओमोवियोल ऐड कर देते हैं, तो इससे जो हमारा सिंथेटिक क्ले बनता है वो सूखता नहीं है, इसमें बारीक काम हो सकता है और लंबे समय तक ये खुला रह सकता है, सूखेगा नहीं। तो बहुत ही जो जो टॉयज फैक्ट्री होती है, टॉयज हुआ जहाँ पर बहुत छोटे छोटे मॉडल बनते हैं और बहुत डिटेल में क्या, वहां पर सिंथेटिक क्ले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वैक्स से सिंथेटिक क्ले ही बनता है, तो और वैक्स का जो प्योर यूज हम बेसिकली मेटल कास्टिंग करते हैं। ठीक है, ऑफ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो वह एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिप्सम एक स्टोन होता है, इसको जब गर्म करते हो पाउडर में कन्वर्ट, पाउडर वह पानी के कांटेक्ट में आते ही एक छिद्र युक्त ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो करेक्टरिस्टिक ये है, यह पाउडर फॉर्म में होता है और जब यह पानी के कांटेक्ट में आता है, पानी के साथ मिक्स होकर ये 15-20 मिनट के अंदर एकदम से सख्त हो जाता है, छिद्रयुक्त ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, जो भंगुर होता है, टूट सकता है लेकिन मुड़ेगा नहीं, इसलिए इसका मेन इस्तेमाल करते हैं हम मोल्डिंग और कास्टिंग में। ठीक है, हाँ यूज करते हैं मोल्ड मेकिंग में। ठीक है, प्लास्टर का हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं स्कल्पचर बनाने, क्योंकि यह बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए इसका जो बनाया हुआ स्कल्पचर आउटडोर में नहीं चल पाता, इंडोर में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट प्लास्टर का भी यूज कर सकते हैं बड़ा काम करने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से इसका मोल्ड मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फाइन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी स्कल्पचर विधा का बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है। ठीक है, बिना प्लास्टर पेयर से हम मोल्डिंग कास्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फाइबर ग्लास में भी हम मोल्डिंग का यूज कर लेते हैं, आज हम बात करते हैं रोल ऑफ आर्मेचर इन स्कल्पचर। तो इस एक स्कल्पचर में, एक मूर्ति में आर्मेचर का क्या रोल होता है, जो स्पेशली हम क्ले मॉडलिंग करते हैं या फिर मॉडलिंग करते हैं वैक्स में करते हैं, तो आर्मेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्ले का या वैक्स का जो भी मॉडलिंग मीडियम है उसका अपना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो अपने आप में स्टैंड करे, जैसे कि हमारी बॉडी में स्केल्टन का होना आवश्यक है। ठीक है, बिना, अगर अगर बॉडी में स्केल्टन ना हो तो हम क्या है ना, हमारा जो मसल्स है, हमारे जितने भी अंग है, हार्ट है, लीवर है, वो स्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी पोजिशन नहीं रहेंगे, वो सब गिर जाएंगे, तो इसीलिए हमारे अंदर स्केल्टन होता है। ऐसे ही जब स्कल्पचर बनाते हैं तो मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है, बनी मिट्टी होती है, उसका अपना स्ट्रेंथ नहीं होता, वो केवल किसी सरफेस पे लगाते हैं, 1-2 इंच तक कवर करते हैं, उसके बाद में वो अपने ही वेट से गिर जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि आर्मेचर बनाते हैं। ठीक है, थीके? तो अभी हम थोड़ा सा, मैं जैसे है एक, कोई हमें पोर्ट्रेट बनाना है, तो पोर्ट्रेट बनाने क्या करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, जैसे हमने 1x1 का एक प्लैंक लिया, ठीक है, तख्ते का टुकड़ा लिया 1x1 फुट का। ठीक है, ठीक है, 1x1 का, इस पर क्या करते हैं, बीच में सेंटर में एक हम पाइप या फिर एक हम एक लकड़ी का टुकड़ा या लगा लेते हैं बीच में। ठीक है, और इसमें या तो हम कील गाड़ देते हैं चारों ओर, जैसे कील गाड़े तो 2 कील ऊपर गाड़ दी, 4 कील साइड में गाड़ दी, 4 इस तरफ गाड़ दी, 4 इस तरफ गाड़ दी, उनमें इनमें सब में रस्सी गूथ के, ताकि अब ये क्या करेगा ना, मिट्टी को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बना दूं, छोटा पिक्चर रह गया ना, हाँ बताऊं,
हाँ चलो, जैसे हाँ दो क्लिप पर लगा ली, तीन साइड में लगा ली, तीन इधर लगा ली, तीन इधर लगा ली, इनमें क्या रस्सी हमने गूंथ दी, नारियल की रस्सी, ठीक है, और यहाँ पर भी गूंथ ली, ठीक है। तो ये हमारा आर्मेचर बन गया, लेकिन इसमें जैसे हमारा जो हेड होता है वो अंडे के शेप का होता है, ये कैसे शेप का होता है लगभग, ठीक है, ऐसे होते, ये बात थोड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये तो यहाँ पर आर्मेचर आ गया फिट, ठीक है। हाँ तो यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, बटरफ्लाई लगाते हैं दो, इसमें क्या करते हैं ना, लकड़ी के दो टुकड़े लेते हैं, इनको क्रॉस कर लेते हैं आपस में और इनको बाइंडर से बांध के, ठीक है, ये एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो दो बटरफ्लाई हमारे जबड़े में आ जाती है, जो क्या है ना, क्योंकि ये जरूरी थी, अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जबड़े वाला जो पार्ट है वो टूट गिर जाएगा, तो ये बटरफ्लाई लगाते हैं, ठीक है। तो ये हेड का आर्मेचर हो गया, ठीक है। हाँ, और सही जो ज्ञान है ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, सही जो ज्ञान है जब आप हेड बनाओगे, बना के देखो एक आध बार टूटेगा तब आपको समझ में आएगा कि आर्मेचर का सही तालमेल मिट्टी से क्या होता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है बेटा। तो ये हम एक पोर्ट्रेट का आर्मेचर रहा, अब हम एक फुल फेवर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें लाइफ स्टडी करना है, एक फुल फिगर बनाना है 2 फिट का, ठीक है, 4 फिट का लाइफ साइज का, तुम क्या करते हैं ना कि सरिया का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये तार लेते हैं, यूं कर जाके यूं करते हुए और ये हेड बनाता हुआ यूं करके यूं आ जाता है, ठीक है, एक ही सरिया, और यहां से एक सरिया लेते हैं, ये सरिया यूं जाती है, 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 ठीक है। अब इसको आपस में शेप देके और इसको रस्सी से बाइंडर वाले से बांध लेते हैं और रस्सी से गूंथ लेते हैं, ठीक है, तो रस्सी लेते हैं, ओके, यहाँ एल्बो आ जाते हैं, इसको हम पोजिंग कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम किसी भी तख्ते पे कीलों से गाड़ देते हैं, ठीक है, और जरूरत पड़े तो हम इसके अंदर सपोर्ट दे देते हैं ताकि स्टैंड रहे, ज्यादा बड़ा फिगर लाइफ साइज है तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे हमारा पीछे से हमारा एक सपोर्ट होता है ना, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारा कोई भी हमारा फिगर है ना, ठीक है, ऐसे स्टैंड है, ठीक है, इस पर हमने, ये हमारा आर्मेचर हो गया। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना छोटा स्केल उतना ही आर्मेचर हमारा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है, छोटे बहुत छोटे पोर्ट्रेट में हमें आर्मेचर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पोर्ट्रेट में लाइफ साइज बनाते हैं तो हमें आर्मेचर बनाना पड़ता है, और जैसे ही हमारा स्कल्पचर साइज बड़ा होता है आर्मेचर उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बड़े स्कल्पचर होते हैं 30 फीट के 20 फीट, वहां पर 70-80% जो काम होता है वो आर्मेचर में ही होता है, ठीक है, जैसे स्कल्पचर साइज बड़ा होता है ना वैसे ही हमारा आर्मेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली 6 फीट का या फिर 2 फीट का हम फिगर बनाएंगे तो इस तरह से आर्मेचर बनाते हैं। आर्मेचर में नारियल की रस्सी इस्तेमाल होती है जो कि मिट्टी को पकड़ के रखती है आराम से, तो भिगोने के बाद में हम इसमें मिट्टी लगाना शुरू, पहले हम फिलअप करते हैं, फिर हम पहले बेसिक शेप लाते हैं, फिर बेसिक ब्लॉकिंग, बेसिक सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेल, इस तरह से हम क्ले मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। और क्ले हमारी क्या है ना, फाइन होनी चाहिए, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आर्मेचर रोल है, और आर्मेचर डायरेक्ट प्लास्टर के लिए बनाते हैं, बड़े स्कल्पचर में जितना बड़ा स्कल्पचर उतना ही आर्मेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ओके। डायरेक्ट सीमेंट में भी काम होता है, डायरेक्ट सीमेंट डायरेक्ट प्लास्टर में भी काम होता है, तो वहां पर आर्मेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्मेचर का एक मोटा मोटा रोल खत्म होता है। मेथड एंड मटेरियल स्कल्पचर के इस सेशन में आज हम बात करेंगे वुड कार्विंग की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्कल्पचर की मुख्य रूप से दो टेक्निक्स होती हैं, एक है मॉडलिंग, दूसरी कार्विंग। मॉडलिंग में हम ऐड कर सकते हैं, कार्व कर सकते हैं, पिंच कर सकते हैं, तो मॉडलिंग सबसे बेसिक टेक्निक है स्कल्पचर की, और कार्विंग है ये
इस टेक्निक के हम जो अनवांटेड पार्ट है स्कल्पचर का उसको हम निकाल लेते हैं, जिसमें मेन आपका वुड और स्टोन आता है। तो वुड कार्विंग के लिए सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। देखो, वुड कार्विंग का इस्तेमाल हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो टाइम से ही, यानी प्राचीन काल से ही, वुड स्टोन और मेटल, ये हमारे क्लासिकल मीडियम ऑफ स्कल्पचर रहे हैं। तो वुड कार्विंग की जब हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के वुड्स होते हैं, जिनमें से हमारा मुख्य रूप से हमारा है आम है। आम की लकड़ी हमारे कार्विंग के लिए बहुत अच्छी होती है। आम है, सागौन है, और आपका बबूल। बबूल की लकड़ी भी अच्छी होती है। शीशम, शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। और इसके बाद चीड़ जो है, चीड़ है, इसकी लकड़ी कार्बन कम इस्तेमाल लाई जाती है, बहुत हल्की होती है चीड़ की लकड़ी। और नीम, हाँ, नीम की लकड़ी की प्रॉपर्टी होती है कि नीम की लकड़ी में गांठें होती हैं, तो हमारा यदि काम का जो कंसेप्ट इस टाइप का है, तो उसमें गांठें इस्तेमाल हो सकती है, तो नीम की लकड़ी यूज कर सकते हैं। और आपका पीपल और गुलर, पीपल और गुलर, पीपल और गुलर की लकड़ी कार्विंग के लिए बहुत अच्छी नहीं समझी जाती, क्योंकि यह लकड़ी कमजोर होती है, टेढ़ी मेढ़ी आराम से हो जाती है, तो इनका इस्तेमाल कम किया जाता है। तो सबसे जो बेहतरीन आपकी जो आम, सागौन, बबूल और शीशम, ये तीन लकड़ियां, नीम का भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं, नीम की लकड़ी मजबूत है, इसमें गांठें होती हैं, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि हम वुड कार्विंग के लिए लकड़ी की तैयारी कैसे करें। तो लकड़ी देखिए, हम पेड़ से काटने के बाद लकड़ी को हम छाई में सुखाते हैं, क्योंकि लकड़ी को अगर हम तेज धूप में सुखाएंगे तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, फिर वो कार्विंग की योग्य नहीं बचती। तो लकड़ी को पेड़ से काटने के बाद में लकड़ी के जो स्टेम है, जो भी उसका जो तना है, उसको हम छाई में सुखाते हैं, और कई प्रोसेस में तो उसको जमीन के अंदर गाड़ भी देते हैं कुछ समय के लिए, इससे लकड़ी पक जाती है। अगर लकड़ी को जमीन में गाड़ लकड़ी पक जाती है उससे ना, और छाई में सुखाने के बाद जब लकड़ी सूख जाती, सूखी लकड़ी को पे सबसे पहले हम छाल को उतारते हैं, और छाल को उतारने के बाद में वह लकड़ी हमारे कार्विंग के लिए बेस्ट होती है। तो आम, सागौन, बबूल, शीशम, ये लकड़ियां कार्विंग के लिए बहुत अच्छी होती है। आम की लकड़ी बहुत सॉफ्ट, बहुत ही उसमें फाइन डिटेल्स में काम कर सकते हैं आम सागौन में। तो अभी हम थोड़ा टूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टूल्स, वुड कार्विंग में उपयोग होने वाले टूल्स है मेनली आपका, एक तो हथौड़ा होता है, दो छेनी होती है, ठीक है। जो वुड कार्विंग का जो हथौड़े को हम कहते हैं मैलेट, ठीक है। जो मैलेट हमारा इस शेप का वुड का ही हमारा एक हथौड़ा होता है, इसको मैलेट बोलते हैं, MALET, मैलेट, ठीक है। तो इससे हम छेनी पर वार करते हो। छेनी हमारी होती है, वो है टेम्पर्ड लोहे की बनाई जाती है, पक्की लोहे की। तो इसमें मुख्य रूप से हमारी जो चीजें होती है वो फ्लैट चीजें होती है, फ्लैट चीजें, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है किसी भी हार्डवेयर की दुकान से। इसमें ये लकड़ी का बेंट या फिर आजकल प्लास्टिक का बेंट भी आ रहा है, ये लगा होता है। तो इस पे हम हथौड़े से वार करते हैं, और यहाँ पर ये फ्लैट धार बनी होती है, फ्लैट चीजल, ठीक फ्लैट चीजल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है यू 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 चीजल। तो वो हमारी ऐसी होती है, तो यू यू यहाँ पर ये हमारा बैंट भी मान लो उसका, और इसको ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं यू। तो ये जो धार होती है, इससे हम
ये भी कटिंग के काम आता है, लेकिन इससे हम टेक्सचर भी दे सकते हैं। ये भी अलग अलग साइज में आते हैं, छोटे बड़े फ्लैट चीज भी अलग अलग साइज में आता है। तो और तीसरा प्रकार का जो चीज हमारा होता है वो होता है वी शेप। इसे ये हमारे शार्प कटिंग, शार्प लकीर बनानी होती है वुड में, तो उसका काम आता है वी शेप चीजल। हाँ यू शेप चीजल, वी शेप, यू शेप, ठीक है, इसको यू शेप बोलते हैं। यू यू शेप और ये वी वी शेप, ठीक है। और चौथा जो चीज हमारा होता है इसको, वो हमारा होता है दांतेदार। तो ये हमारा बैठी यहां पर हो गई, ये टेक्सचर देने काम आता है। तो ये चार प्रकार के मुख्य चीज होते हैं। ये हमारा हैमर होता है, इसको मैलेट बोलते हैं। आजकल वो हैमर प्लास्टिक का भी आता है, रबर जैसा आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वुड कार्विंग, ठीक है, तो बता देते हैं प्रोसेस। प्रोसेस और टेक्निक बोलेंगे, तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक वुड का हमारा ये कुछ एक एक हमारा स्टेम है, इसके अंदर कोई स्कल्पचर हमें इस तरह का बनाना है, ठीक है। मान ली इस तरह का कोई स्कल्पचर हमें बनाना है इसके अंदर, तो हम क्या करते, सबसे पहले हम इसकी छाल को उतार लेते हैं, और छाल को उतारने के बाद में इसकी क्रूड कटिंग करते हैं। इसकी जो मोटा मोटा इसको हम शेप लेके आते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे हाँ पहली लेयर में छाल उतार लें, दूसरी लेयर में हम मोटा मोटा ये फ्लैट चीजों, यू चीजों की मदद से इसको हम काट लेंगे। और थर्ड थर्ड जो जगह आपका थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, हम जब डिटेलिंग करते हैं तो चीजल हमारी बारीक हो जाती है, ठीक है। यू चीजल भी हमारी छोटी होती है, और जो फ्लैट चीज वो भी हमारी पतली होती है, ठीक है। तो पतली चीजल की सहायता से हम डिटेलिंग कर ले, डिटेल करने के बाद में फिर हमारे पास एक और औजार होता है स्कल्पचर का इंपॉर्टेंट, उसे हम कहते हैं फाइल, ठीक है। रेती, ये अर्धचंद्राकार जो हमारा रेती होता है ना, ठीक है, इसमें आजकल बेंटी प्लास्टिक की आर भी आ रही है, ठीक है, रेती में लग जाता है। इसमें दांते होते हैं बहुत सारे मोटे मोटे। इस फाइल से हम क्या है ना कि घिसाई करते हैं, जिससे सरफेस में चिकनी होती है। और फाइल के बाद में हम सैंड पेपर इस्तेमाल करते हैं। आजकल सैंड पेपर हम ग्राइंडर से भी यूज कर सकते हैं। कई जगह वुड कार्विंग के लिए चेनसो का भी लोग आजकल यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो होता है, चेनसो से वो मोटा मोटा काट लेते हैं, तो वो भी काट सकते हैं। चेनसो से मैं स्पेशली लर्नर को रिकमेंड नहीं करूंगा, किसी भी तरह का जो मशीनी इलेक्ट्रिकल औजार वुड कार्विंग में लर्नर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले हमारा किसी भी मीडियम को समझना, उसके टूल्स को समझने वाली प्रक्रिया होती है। सीखने से ज्यादा मतलब है, आउटपुट से मतलब नहीं है। यूं तो आप बाद में आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ तो आप दो तीन कारवर बुला के उनसे भी काम करा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपको सीखना है तो सीखने पर ध्यान दीजिए। सीखने के लिए आप मैनुअल तरीके से वुड कार्विंग करिए, क्योंकि आपको लकड़ी को समझना है, टूल्स को समझना है। और टूल को शार्प करने एक और चीज होती है, इसमें कहते हैं कार्बोरंडम स्टोन। ये कार्बोनेट स्टोन की चकती होती है, ठीक है। ये नाई भी रखता है इसको उस तरह साफ करने के लिए। पहले जो नाई था ना, वो इसी पत्थर से, वो काला रंग का पत्थर होता है, उससे उस तरह पहना करके हजामत बनाता था। लेकिन आजकल तो ब्लेड आ गए हैं, लेकिन ये कार्बोनेट स्टोन है ना, कार्बोनडम स्टोन, ठीक है। इससे हम टूल्स को, कभी भी टूल्स को आगे पीछे शार्प नहीं करते, आगे पीछे, क्योंकि
इसको हमेशा ऐसे शार्प करते हैं, ठीक है, यू ये डायरेक्शन, जैसे टूल ये चीजल है तो पत्थर पे ऐसे ऐसे घिसेंगे, ऐसे घिसेंगे, कभी यूं नहीं घिसते, यूं डार्क हाउस यूं घिसते हैं, ठीक है, यूं घिसते, पानी लगा के घिसते हैं तो। और एक सावधानी भी है वुड कार्विंग करते हुए, सावधानी ये है कि कभी भी हमें जो अगर हमारे टूल्स अगर ठीक से शार्प नहीं तो हमसे कार्विंग नहीं करनी चाहिए, पहले हमें टूल्स को ठीक से शार्प करना होता है। जब टूल इतने शार्प हो जाए हम उससे सेविंग कर सकें, अपने हेयर्स उससे देखो रिमूव हो जाए तो समझो कि बहुत सही है टूल्स। इतना शार्प अगर टूल होगा तब तो उसे कार्विंग करोगे तो वास्तव में आप कार्विंग की प्रक्रिया को एंजॉय करोगे, नहीं तो अगर टूल अगर शार्प नहीं है फिर आप काम करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो टूल को शार्प करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपका जो वुड है वह छाई में सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से गला नहीं होना चाहिए, और यदि क्रैक है भी गला भी तो आपके कंसेप्ट का पार्ट आजकल तो हम बना सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत ही रियलिस्टिक काम करोगे, जैसे कोई पोर्ट्रेट बनाना है, कोई फिगर बनाते हो तो आपको बहुत फाइन वुड चाहिए, लेकिन अब थोड़ा कंसेप्चुअल काम करें तो आप किसी भी तरह का वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह वुड कार्विंग की टेक्निक का एक मोटा मोटा आपका चैप्टर खत्म होता है। तो इस तरह से आप फाइल से फ्लैट और यू चीजों से डिटेल करने, फाइल से आप घिस के, तो यू चीजल है वो टेक्सचर देने भी काम आता है, यू चीजल से बहुत अच्छा शेल टाइप का एक डॉट टाइप का टेक्सचर बनता है, तो उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। और रेती से घिसने के बाद में और स्मूथ बनना तो रेगमाल से घिसते हैं, उसके बाद में टचवुड या फिर वार्निश, आजकल वार्निश का ही बहुत प्योर फॉर्म टचवुड आ रहा है जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, तो टचवुड उस पर करके हम जो वुड का ओरिजिनल जो टेक्सचर है जो प्रिंट है उसको हम रख सकते हैं, उसे पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वुड कार्विंग का, और चाहे तो हम क्या है ना वुड पे हम एक्रेलिक है ऑयल पेंट का इस्तेमाल करके उसे पेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वुड कार्विंग का ये चैप्टर आपका खत्म होता है। फाइबर कास्टिंग बेसिकली ये मॉडर्न मीडियम है स्कल्पचर का, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल मीडियम है। इसका सबसे पहले शुरुआत भारत में हमारे जो बड़ौदा के स्कल्पचर हैं, एक तो हमारे जो जामिया के जो एचओडी हैं गुरफान किदवई सर, इन्होंने भी फाइबर ग्लास का एक्सपोजिशन किया है। महेंद्र पंड्या सर हमारे टीचर्स के टीचर रहे बड़ौदा में, महेंद्र पंडित से, उन्होंने फाइबर ग्लास का सबसे पहले इस्तेमाल शुरू किया था भारत में। फाइबर ग्लास बेसिकली इंडस्ट्री में जो ये फाइबर बेसिकली फाइबर में तीन तीन तरह के केमिकल होते हैं, एक तो आपका होता है नंबर वन रेजिन, नंबर टू हार्डनर, या इसको हम कैटलिस्ट ही बोलते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है। नंबर थ्री कोबाल्ट, या इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, XCO, ठीक है। तो और चौथा आपका पॉइंट होता है आपका मैट, ठीक है। और पांचवा हम जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेंच चॉक पाउडर, छठवा आपका थिनर, ठीक है। ये छह हम इसमें मेन हमारे चार ही मुख्य होते हैं, ठीक है, थीके? तो फाइबर ग्लास बेसिकली इंडस्ट्रियल मीडियम है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सिंथेटिक मटेरियल है जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, और फाइबर के बहुत सारी टंकी, पहले टंकी बनाई जाती थी, वॉश बेसिन बनते थे, जो बाथ टब भी बनते थे फाइबर ग्लास के,
फाइबर ग्लास के काफी फाइबर ग्लास की शीट्स भी आती हैं। तो जनरली हम जो जीपी फाइबर रेजिन के कई क्वालिटी होते हैं, पर जीपी क्वालिटी जीपी रेजिन जनरल पर्पस जीपी, ठीक है, जनरल पर्पस जीपी क्वालिटी रेजिन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आइसो रेजिन में आता है, आइसो आइसो रेजिन बहुत ही फाइन रेजिन होता है। एरल्डाइट भी एक तरह का, वो भी रेजिन ही होता है, एरल्डाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो रेजिन के अलग अलग क्वालिटी होते हैं, जो जनरली जनरल पर जीपी रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर शीट भी इसका बना होता है, ठीक है। तो यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल से हमारे गैस पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट होता है, लास्ट में जो वैक्स होती है ये रेजिन उसी में से ही निकलता है। इसमें हार्डनर और कोबाल्ट मिलाने से करीब 1 लीटर रेजिन में 10-10 या 5-5 ग्राम, 5-5 ग्राम अगर हार्डनर केटल मिलाए जाए तो यह जमकर एक ठोस कांच जैसे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ग्लास कहा जाता है, ग्लास सिंथेटिक ग्लास होता है, लेकिन उसमें अपनी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती। लेकिन जब इसमें मैट ग्लास वुल, मैट बेसिकली क्या होता है, ये ग्लास का सो, सो ग्लास का ये एक वुल टाइप का होता है, ठीक है, जो फाइबर काम करता है। फाइबर फाइबर का मतलब होता तंतु, ठीक है, फाइबर। तो इसमें जो मैट के जो तंतु होते हैं, ये फाइबर की शीट पाई जाती है, ग्लास वुल की शीट पाई जाती है, शीट होती है जिसको जो बहुत मजबूत होती है, उसके साथ में रेजिन मिक्स होके तो फाइबर ग्लास बनता है, जो बहुत ही स्ट्रांग और लाइट वेट होता है। और इस कल्चर में एक तरह के ये मेटल का सब्सटीट्यूट है, फाइबर ग्लास का स्कल्पचर बहुत ही मजबूत तो बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है। लेकिन यह मटेरियल बहुत ही टॉक्सिक है, स्पेशली आजकल मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करता, क्योंकि ये जैसे हमने जैसे एनवायरमेंट के प्रति जैसे कॉन्शियस हो रहे हैं, पॉलिथिन बढ़ रही है, तो ये भी एक तरह का टॉक्सिक जो बहुत ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और कई आर्ट कॉलेजेस ने इसको बैन कर रखा है, वो इसको यूज करने के लिए परमिशन नहीं देते, क्योंकि ये इसकी बहुत गंद होती है और मैट के जो रेसे हैं वो सांस में बीमारी पैदा कर, इसलिए बहुत मास्क लगा के ग्लव्स पहन के इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मैट में बेसिकली हमारा पाउडर मैट होता है, ठीक है, मैट होता है पाउडर मैट, ये शीट बनाने काम आता है, ठीक है। एक होता है इमल्शन, इमल्शन मैट वो बिखर जाता है, तो ये बेसिकली मोल्डिंग काम आता है इमल्शन मैट मैट में, ठीक है। और इसमें अलग नंबर होते हैं, 320 हम जो यूज करते हैं, 320 इमल्शन, 320 इमल्शन यूज करते हैं, ठीक है, हाँ, जो आराम से बिखर जाता है और चाहे जिस शेप में ढल जाता है टेपिंग करके, ठीक है। तो और फ्रेंच ऑक पाउडर बेसिकली ये हमारा फर्स्ट ले लगाने काम आता है, हम रेजिन में फ्रेंच ऑफ पाउडर मिक्स कर लेते हैं और उसमें कोबाल्ट मिक्स कर रखते हैं और हार्डनर डाल के फर्स्ट लेयर मोल्ड में लगाते हैं, तो इससे पहली लेयर में हमारी एकदम साफ सुथरी आई, ठीक है, वहां पर। और फर्स्ट लेयर हम लगाने के बाद में फिर हम इसमें मैट बिछाते हैं और फिर ब्रश से टेपिंग करके हर रेजिन का थोड़ा थोड़ा केमिकल रिएक्शन अलग अलग होते हैं, तो रेजिन को पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा हम करीब कई करीब 200 ग्राम रेजिन हम एक कटी बोतल में लेते हैं, उसमें कोबाल्ट पहले से मिला के रख लेते हैं ताकि हमें मिलाना पड़े। जो कोबाल्ट बेसिकली ये हार्डनर कैटलिस्ट होता है जो रेजिन को क्रिस्टलाइज करता है, और कोबाल्ट बेसिकली एक्सीलरेटर होता है जो उसकी प्रक्रिया को तेज करता है, ठीक है। तो कोबाल्ट मिला के रखते हैं, फिर जैसे हम कैटलिस्ट में डालते हैं, हार्डनर डालते हैं, वो जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उसे मिक्स करके ब्रश से हम उस पर टेपिंग कर लेते हैं। तो हमें कितना मजबूत हमें कास्टिंग चाहिए, तो नॉर्मली हम 1 लेयर 2 लेयर मैट का लगाते हैं और टिपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और फ्रेंचो का यूज होता है, फ्रेंचो का एक और यूज होता है कि ब्रश को साफ करने के लिए, जब ब्रश को हमें साफ करना होता है तो थिनर भी होता है, थिनर में रेजिन आराम से घुल जाती है, तो ब्रश को जब हम काम हमारा बंद हो जाता है तो, या फिर ब्रश को हम साफ करते तो थिनर में उसे हम मसल लेते हैं, उसके बाद में फ्रेंच ऑफ पाउडर में उसे रब करते हैं, तो फ्रेंच ऑफ पाउडर में से
वो साफ हो जाता है। और अगर हमें अगर जैसे हाथ साफ कर दूं, वैसे हम थिनर और क्रंच ऑफ पाउडर का यूज इस्तेमाल करें तो हाथ भी हमारे गंदे नहीं होते। अगर हम इन दो चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे इतना ज्यादा हाथ गंदे हो, ब्रश हमारी खराब हो जाएंगी। और यदि हम साबुन यूज करते हैं तो हम ये जो डॉक्टर सोप साबुन आता है पीला वाला, वो अच्छा होता है। या फिर नहाने का साबुन से आराम से हाथ साफ हो जाते। सोप ठीक है, डिटर्जेंट काम नहीं करता रेजिन पे, डिटर्जेंट काम नहीं करता। ठीक है, फ्रेंच चॉक पाउडर और थिनर का हम इस्तेमाल। और हम फाइबर ग्लास कास्टिंग करें तो हम बार बार जैसे हाथ गंदे हों तो उसको फ्रेंच चॉक पाउडर में तो उसे साफ कर लेना चाहिए। फ्रेंच चॉक पाउडर रेजिन को ऑब्जर्व कर लेता है तो जो रेजिन हमारे स्किन से रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका ये फाइबर ग्लास का कंपोनेंट्स का मैंने आपको बता दिया। इसमें ब्रश जो यूज करते हैं हम 2 इंची या 1 इंची यूज करते हैं, छोटा कास्टर 1 इंची का ब्रश यूज कर लेते हैं, नहीं तो 2 इंची का लकड़ी वाला ब्रश प्लास्टिक का भी आते हैं यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रक्रिया बताता हूँ कैसे फाइबर कास्टिंग करते हैं। ठीक है, फाइबर कास्टिंग में जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोई एक मोल्ड है, मान लीजिए इसमें ये चेहरा है, ठीक है, एक मोल्ड हमारा है, इसे हम कास्ट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक चेहरा ही कास्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इसका दूसरा दूसरा पार्ट ही मोल्ड है, जैसे ना ये किसी का मोल्ड है, ठीक है, ये मोल्ड है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक बोतल में फ्रेंच ऑक पाउडर और रेजिन को मिक्स कर लिया और कोबाल्ट में डाल दिया। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा हमने वो फ्रेंच ऑक मिला हुआ रेजिन निकाला, उसमें हार्डन लिया और उसमें आटा डाल के ब्रश से मिक्स करके इस पे हम एक लेयर अच्छे से कर लेंगे। दूसरी लेयर भी हम लगा लेते हैं, कहीं पर अगर जैसे कम रह जाता है तो दूसरी लेयर से उसे ठीक कर लेते हैं। जब ये जम जाता है फ्रेंच लेयर, उसके बाद में मैट बिछाते हैं, ठीक है, बिखेर के अच्छे से, ताकि मैट अच्छा सेट बढ़ जाए। उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा रेजिन लेते हैं, जैसे पेप्सी की कटी बोतल है ना, उसमें 1 लीटर वाली में या 2 लीटर, ज्यादा बड़ा का 2 लीटर वाली ले सकते हैं, 1 लीटर वाली काफी है। उसमें रेजिन लेते हैं, उसमें कोबाल्ट मिलाते जाते हैं और टेपिंग करते ले आते हैं। तो हमारा एक लेयर हमारा मेट का कम से कम होना चाहिए। लगाने के बाद में अगर एक लेयर रखना है तो फिर भी हमें जहां जहां पतला वहां पर जगह जगह तो पैचेस भी लगाने पड़ते हैं। 2 लेयर कर दो तो बहुत अच्छा स्ट्रांग बन जाता है। तो जैसे दोनों पीस का कास्टिंग होने के बाद में उसकी एजेस काट लीजिए, तो एजेस काटे उनको इनको दोनों मोल्ड को भिड़ा देंगे आपस में। भिड़ाने के बाद में फिर अंदर जॉइंट्स पर भी हम मैट लगा के टेपिंग कर लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी ब्रश छोटा पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, ब्रश में डंडी बांध देते हैं ताकि वो अंदर तक बोल्ड चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से फाइबर कास्टिंग का ये प्रक्रिया हमारा पूरा होता है।